मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट किया था। उसमें हमने कार्बोकेटाइन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था। पहले तो आपके दिमाग में क्या आएगा बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन कहां कहां लगता है? पहला कार्बोकेटाइन्स में, दूसरा फ्री रेडिकल्स में, तीसरा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसे एल्किन और बेंजीन में। डन है कहानी। फिर कार्बोकेटाइन्स में कब लगेगा? जब अल्फा एच होंगे। अल्फा एच होते क्या है कि जो कार्बन डायरेक्ट sp3 कार्बन हो और डायरेक्ट कार्बोकेटाइन वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम कहेंगे अल्फा कार्बन, और उस पर जो भी हाइड्रोजन होगा अल्फा हाइड्रोजन। मतलब कार्बोकेटाइन में अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, और वह अल्फा हाइड्रोजन ब्रिज हेड कार्बन पर नहीं होना चाहिए। अब कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। डन है कहानी। और जितने अल्फा एच ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये वो वाला लॉजिक आपको ध्यान में रखना है। फिर आपसे पूछे कौन सा कॉन्जुगेशन होता है कार्बोकेटाइन के हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो आप कहोगे सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। एक एक बात मैंने आपको एक्सप्लेन वहां पर किया है। फिर हमने स्टार्ट किया था बेटा फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन। सारी कहानी बिल्कुल सेम चलने वाली है। क्या पहला पॉइंट, अल्फा एच होना चाहिए ब्रिज हेड पर, नहीं होना चाहिए। और अब हम सीख रहे थे अल्फा एच को पहचानने का तरीका, जिस पर मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए थे। एक दो क्वेश्चन और बता करके मैं आगे कहानी स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, चलिए जैसे आपको सवाल दिया गया बेटा ऐसे, इसमें आपको बताना है कितने अल्फा एच हैं। यहां बताइए जल्दी से, देखिए सबसे पहले ये कार्बन आपका फ्री रेडिकल वाला कार्बन हो गया, इसे सीधे जुड़ा हुआ डायरेक्ट ये भी और ये भी, ये सबके सब क्या हो गए, तू भी अल्फा, मैं भी अल्फा और मैं भी अल्फा, सबके सब क्या है, अल्फा है, क्योंकि sp3 है सबके सब, इससे सीधे जुड़ा हुआ अल्फा एच। सबको पहचानना आना चाहिए तभी हाइपर कॉन्जुगेशन में मजा आएगा। बोलो यहां कितने अल्फा एच है, 3, यहां 1, यहां 1, टोटल कितने हो गए अल्फा एच, हो गए यहां पर 5। क्या आपको बात समझ में आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी नंबर लिख देना। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं यहां बताइए कितने अल्फा एच हैं इस केस में, बोलिए जल्दी से। पहले फ्री रेडिकल वाले कार्बन के पास जाओ, प्रभु आपसे जुड़ा हुआ कार्बन ये और ये, तीनों के हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो। sp3 है संकरण अवस्था, यहां कितने हैं, 3 हैं, यहां कितने हैं, 3 हैं, और यहां कितना है, 1 है, तीनों 3 6 और 1 7, तो अल्फा एच कितने हो गए यहां पर, 7 हो गए। क्या आपको बात समझ में आया है? अरे कर सकते हो क्या, मजे से है ना, पहचान सकते हो अल्फा एच। अब अल्फा एच पहचानना आ गया, अब मैं आपको सिखा देता हूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल में होता कैसे है। तो चलिए पहले जल्दी से दोनों सवाल बना दीजिए, पॉज करके कर लिया ड्रॉ, चले नेक्स्ट। देखें हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए फिर से एक प्यारा सा पॉइंट लेते हैं, CH3CH2 डॉट। इस कंपाउंड में अगर बोलूं इस फ्रीडिकल में अल्फा एच 3 है, मजे से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो थोड़ी सी आपकी अगर आज्ञा है, थोड़ी सी आज्ञा चाहता हूं, और मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूं, ये मैंने ऐसे लिख दिया, और यहां आपके पास है CH2 और ये फ्रीडिकल। क्या आपको बात समझ में आया है? अब देखिए फिर से, ये आपको पता है फ्रीडिकल कौन से ऑर्बिटल में होता है, पी ऑर्बिटल में होता है, याद है ना, कौन से ऑर्बिटल में होता है, पी ऑर्बिटल में, पढ़ चुके हम कार्बोकेटाइन और फ्रीडिकल पी ऑर्बिटल में होते हैं। अब देखिए, अब कहानी में डिफरेंस क्या है, पिछले वाले कार्बोकेटाइन वाले केस में एक चैंबर में तो मस्त गैस भरा हुआ था, फुल एक चैंबर बिल्कुल खाली था, निर्वात था, वैक्यूम था, बट अब इसमें भी गैस है बट कम क्वांटिटी में। फ्रीडिकल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, इसका अष्टक क्या है, अपूर्ण है, तो अष्टक अपूर्ण मतलब गैस कम है, ऐसा मान के चल सकते हो आप। तो यहां हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब आप अगर देखो, यहां छोटा सा अगर होल कर दूं मैं तो क्या होगा, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाने लग जाएगी, और तब तक जाएगी जब तक कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या मॉलिक्यूलर डेंसिटी आपकी सेम ना हो जाए। क्या आपको बात समझ में आया है? वैसे ही यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, दो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉनों के बादल, वो ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां, यहां से कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, यहां ट्रांसफर हो जाएंगे। यहां ट्रांसफर होने का मतलब है इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, इस कार्बन का इसके साथ। और अब मुझे बताओ इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, सोच के बताना इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन एक की तो जरूरत है, तो आपका बॉन्ड जो टूटेगा, अब एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो बॉन्ड कैसे टूटना चाहिए, होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक, तो यहां पर जो बॉन्ड टूटेगा वो होमोलिटिक टूटेगा, समांश रूप से टूटेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इसके पास है ही। तो अब देखो क्या होता है, कैसे टूटता है पूरा बॉन्ड, मैं इसको ऐसे थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं। तो देखो यहां पर क्या होगा, यहां इलेक्ट्रॉनों के बादल हैं जो बने हुए हैं, आपको समझ में आ गया होगा, यहां दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ आधा आधा तीर चलाया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर बनेगा एच डॉट, यहां पर एच और यहां आ गया डबल बॉन्ड CH2। क्या आपको समझ में आया है? बोलो ना, ये इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो गया। अब जरूरी नहीं है यही अल्फा एच पार्टिसिपेट करे, ये भी कर सकता है।
अगर ये वाला पार्टिसिपेट करता है तो क्या बनेगा, एच डॉट सी डबल बॉन्ड, ये एच से कोई छेड़खानी नहीं होगी और ये बन गया सी एच टू। फिर ये एच और है, इससे अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनेगा, एच सी एच, और ये बन गया एच डॉट डबल बॉन्ड और सी एच टू। क्या आपको बात समझ में आया, ये सबके सब स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हो बेटा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल को हिंदी में कैनोनिकली कहते हैं और हाइपर कॉन्जुगेटिव को आप अंग्रेजी में ही ध्यान में रखो। तो ये बेटा कौन से स्ट्रक्चर है, आप डायरेक्ट लिख दूं, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कौन सी स्ट्रक्चर्स है बेटा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है। क्या आपको बात समझ में आया, इन्हें हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। डन। अब ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपकी हाइपोथेटिकल है, तो रियल क्या होगी, हाइब्रिड। हाइब्रिड आप बना सकते हो, काम में आने वाला नहीं है तो इसलिए मैं हाइब्रिड यहां ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, वैसे आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो आराम से। और क्या बनेगा अगर बना भी दूं इसका हाइब्रिड, ये बॉन्ड आएगा आपका पार्शियल सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड भी आएगा पार्शियल सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड भी पार्शियल सिंगल बॉन्ड, और ये पार्शियल डबल बॉन्ड, और यहां सी एस टू, और पूरे सिस्टम पर एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, ये इसका हाइब्रिड बन जाएगा, है ना, ये हाइब्रिड है पहला पॉइंट। अब देखिए इस कंपाउंड में इस कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब आप एक बात बताओ, मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं मजेदार, एक व्यक्ति पर 1,00,000 रुपए की कमी है, पहला केस। दूसरा केस, 1,00,000 लोगों पर 1,00,000 रुपए की कमी है, मतलब सब पर 1-1 रुपए की कमी आ गई। तो अब मुझे बता कौन ज्यादा जल्दी से, मतलब जल्दी से वो डोनेट कर सकता है, वो 1,00,000 रुपए चुका सकता है आराम से। तो वो 1,00,000 रुपए जो 1,00,000 लोगों पर है वो आराम से 1-1 रुपए देके इकट्ठे कर सकते हैं, बट जो 1,00,000 रुपए एक ही व्यक्ति पर जो है कर्जा, उसको वो आसानी से चुका नहीं सकता। तो उस केस में वो क्या है, हाईली अनस्टेबल है। बट अगर वो कर्जा बच जाए बहुत सारे लोगों में तो वहां स्टेबिलिटी आ जाएगी। वैसे ही अगर एक ही एटम पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, या बोले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, बोले तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अगर उसे इलेक्ट्रॉनों की कमी को जितना फैलाया जाएगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या आपको बात समझ में आया, जो जितना जितनी पैसों की कमी है उस कमी को जितना फैलाया जाएगा उतना ही स्टेबिलिटी सिस्टम की बढ़ती जाएगी। तो मैं आपसे पूछूं, आपके पास है ये एक फ्री रेडिकल, अगर ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन इसी के पास होते हमेशा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की कमी हमेशा इस कार्बन के पास ही होती, बट हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये कमी, अब इसकी वजह से ये तो पूर्ण हो गया, बट इस हाइड्रोजन में पहुंच गई, और फिर इस हाइड्रोजन में पहुंच गई, फिर इस हाइड्रोजन में पहुंच गई, मतलब जितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगी उतनी इलेक्ट्रॉनों की कमी, मतलब इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी ज्यादा फैलेगी, और जितनी ज्यादा फैलेगी उतनी स्टेबिलिटी फिर से ज्यादा बढ़ेगी। सेम लॉजिक निकल के आया है, जितने अल्फा एच होंगे ज्यादा उतनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होंगी ज्यादा, जितनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होंगी ज्यादा उतना इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉनों की कमी फैलेगी ज्यादा, और उतनी स्टेबिलिटी होगी ज्यादा। एक ही चीज, कमी एक ही है और उसको कई जगह बांट दिया जाए तो वो कमी ना के बराबर रह जाएगी, और जब ना के बराबर रह जाएगी तो उसे क्या मान सकते हो, कि वहां सिस्टम आपका स्टेबल हो गया है। डन है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें भी कौन सा कॉन्जुगेशन होता है, तो जल्दी से बताओ कौन सा कॉन्जुगेशन है इसमें। बिल्कुल, ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और ये पी ऑर्बिटल है, तो यहां भी कौन सा कॉन्जुगेशन है, सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन, सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन यहां होता है। क्या आपको बात समझ में आया, कौन सा होता बेटा, सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन होता है। तो प्लीज जल्दी से पहले आप इसको बना दीजिए, फिर मैं की पॉइंट्स पर आपको लेके चल रहा हूं, ड्रॉ कर दीजिए, बाकी सारे पॉइंट्स वही हैं, बॉन्ड लेंथ पर फर्क पड़ता है, सारे पॉइंट्स हैं, कार्बोकेटाइन वाले सभी पॉइंट्स यहां आएंगे की पॉइंट्स में, बट हम तो केवल 2 ही पॉइंट लिखेंगे, स्टेबिलिटी वाला और कौन सा कॉन्जुगेशन इसमें होता है, बाकी बॉन्ड लेंथ बदलती है वो तो हम लिख ही चुके हैं कि जब भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वहां बॉन्ड लेंथ बदल जाएगी। ठीक है, चलें देखिए, तो की पॉइंट्स नंबर 1 पर यहां लिखा हुआ है हेडिंग की पॉइंट्स, तो की पॉइंट्स नंबर 1 है आपका, सबसे पहले नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स प्रोपोर्शनल टू, क्या आएगा बेटा, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच, बोलो हाँ है ना। और सेकंड, जितनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा होंगी उतना ही जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो ज्यादा फैलेगी, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, इसमें ए मार्क कर देता हूं इसको, और इसको इसी में मार्क कर देता हूं बी, स्टेबिलिटी पूरा पॉइंट लिखेंगे हम, ऑफ फ्री रेडिकल प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स,
नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अब ए और बी दोनों से लेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल के आएगा जो सबसे ज्यादा शानदार है, और वो है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सिंपल, आपको क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन गिनने हैं, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। जैसे मैं एक सवाल कर रहा हूं इस पर बेस्ड, देखिए अगर हम एग्जांपल देखें बेटा, आपके पास है CH3 डॉट एक फ्री रेडिकल, बहुत ही आसान सवाल बन जाएगा, CH2 डॉट CH3C डॉट CH3 और यहां H है, यहां आपके पास है CH3C डॉट CH3 और ये CH3। अब मुझे बताइए, सबसे पहले सब पर फ्री रेडिकल है, सेंट्रल एटम आपका सेम है, आप पता है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में हमेशा क्या देखते हैं, सेंट्रल एटम। यहां अल्फा एच कितना है, जीरो है, यहां अल्फा एच कितना है, तीन है, देख लो फ्री रेडिकल वाले से, यहां अल्फा एच कितना है, तीन और तीन छह है, गिन सकते हो, यहां अल्फा एच कितना है, नौ है, जितने अल्फा एच ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया स्टेबिलिटी। ये आप आई फैक्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, एच फैक्ट से भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, प्लस आई देखते जाओ तब भी आंसर सेम आने वाला है, ठीक है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। प्लीज पॉज करिए और जल्दी से ये पूरा का पूरा फर्स्ट पॉइंट टिप डालो, लिखा, चलें नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या था उसे मैं आपको लिखा देता हूं, तो प्लीज लिखिए सब लोग, लिखे, फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन में, फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन होता है, लिख दोगे बेटा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हो गए, बॉन्ड लेंथ वाला पॉइंट यहां दोबारा से लिखने की हमें जरूरत नहीं है, और ब्रिज हेड पर क्यों नहीं होना चाहिए वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, क्योंकि वहां डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड बनेगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, डन है। तो यहां आपके हमने कार्बोकेटाइन्स में और फ्री रेडिकल्स में हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिया है, और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से दोनों में स्टेबिलिटी बढ़ गई है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन, चले बेटा चलो स्टार्ट करते हैं मजे से, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स, एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन, तो फिर से पहले हेडिंग लिख लो, एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन, पहले हेडिंग लिखिए बेटा एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन, कंडीशन अलग से लिखना है ना, पहले लिखिए एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन, लिख दिया हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स, अगर बोले तो ये कंडीशन यहां नहीं आएगी बेटा हेडिंग में, कंडीशन यहां लिखेंगे, ये आपकी कंडीशन है, ठीक है, लिख दिया हेडिंग हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स। तो उसमें सबसे पहले वही कहानी, कब होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, वो सारी कहानी हमें पढ़नी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले क्या कंडीशन, सारी बातें कितनी प्यारी हैं, कार्बोकेटाइन में कब होगा, फ्री रेडिकल में कब होगा, एल्कीन में कब होगा, सटीक एकदम से दिमाग में आएगा। कंडीशन क्या कह रही है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए तथा अल्फा हाइड्रोजन ब्रिज हेड कार्बन पर उपस्थित नहीं होना चाहिए। जल्दी से पहले कंडीशन लिख दीजिए, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए तथा अल्फा हाइड्रोजन ब्रिज हेड कार्बन पर उपस्थित नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए तथा अल्फा हाइड्रोजन ब्रिज हेड कार्बन पर उपस्थित नहीं होना चाहिए, लिख दिया कंडीशन। अब सवाल ये आता है कि सर ये अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है और ये ब्रिज हेड पर क्यों नहीं होना चाहिए, ये वाली बात तो आप समझ गए होना है, और बार बार क्यों कहलवा रहे हो, ठीक है। अब केवल हमें ढूंढना है अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानते हैं, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन को पहचानने का तरीका, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, अल्फा हाइड्रोजन्स को पहचानने का तरीका। देखो डबल बॉन्ड से सीधे जुड़े हुए कार्बन को, पहला सवाल, डबल बॉन्ड से सीधे जुड़े हुए कार्बन को हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन, आज से याद रखोगे, पहले भी याद होगा आपको, है ना, क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन। अब किसी भी विनाइलिक कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ sp3 कार्बन अगर आपको नजर आता है तो इसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, इसे एक नाम से और जानते हैं, आप जानते होंगे, और बोलते हैं एलाइलिक कार्बन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको, एलाइलिक कार्बन कहते हैं, विनाइलिक कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है आपका, एलाइलिक कार्बन होता है। तो इस एलाइलिक कार्बन
कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो हम इसे क्या बोलेंगे, एलाइल कार्बन, और इसे क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। अब देखिए इस अल्फा कार्बन हो गया तो इस पर जो भी एच होगा उसे हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो याद रखना विनाइल कार्बन पर जुड़ा हुआ एच अल्फा का एच नहीं होता, बल्कि विनाइल कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ अगर कार्बन sp3 है तो उस पर जो एच होगा वो अल्फा एच होगा, सीधे जुड़ा हुआ एच अल्फा एच नहीं होगा। जैसे मैं आपसे और पूछूं, आपके पास है CH3CH2, ये भी तो विनाइल कार्बन है, सभी विनाइल कार्बन के पास जाना है तो ये भी तो विनाइल कार्बन है, इस विनाइल कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन क्या है आपका sp3 है, तो आप तुरंत कह देना ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन, और एलाइल कार्बन है, इस पर जो भी एच होगा उसे हम क्या कहेंगे, अल्फा एच। तो यहां अल्फा एच कितने हैं बेटा, दो हैं। अगर मैं आपसे पूछूं यहां आपके पास है CH3 तो क्या ये अल्फा कार्बन है, बिल्कुल अल्फा कार्बन है। डायरेक्ट अगर sp3 कार्बन हो और विनाइल कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो आप उसे अल्फा कार्बन कहोगे, उस पर जो भी एच होगा उसे आप क्या कहोगे, अल्फा एच। और कितने हैं, तीन। और पूरे कंपाउंड में कितने अल्फा एच हैं, तीन यहां हो गए, तीन यहां हो गए और दो यहां हो गए, कितने अल्फा एच हो गए टोटल इस कंपाउंड के पास, इस एल्किन के पास टोटल 8 अल्फा एच हैं। क्या पहचान सकते हो, तो क्या डेफिनेशन बनी अल्फा एच के पहचानने की, किसी भी विनाइल कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ sp3 कार्बन अल्फा कार्बन होता है और उस पर जो भी एच होते हैं उसे हम अल्फा एच कहते हैं, विनाइल कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ एच नहीं, ध्यान रख लेना, भूल मत जाना, बल्कि विनाइल कार्बन से सीधे जुड़े हुए कार्बन जिसकी संकर अवस्था sp3 है पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो प्लीज पहले जल्दी से हेडिंग लिख दीजिए, लिख दिया होगा आप लोगों ने, चले आगे तो बोलूं, लिखिए पहले डेफिनेशन फिर एग्जांपल लिखना आप पहला, बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं मजे से। तो लिखिए किसी भी विनाइल कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ sp3 कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, sp3 कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है तथा उस पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, तथा उस पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। जल्दी से पहला क्वेश्चन लिखिए, फिर बहुत सारे सवाल हम करने वाले हैं, लिख दिया सबने पहुंच करके, चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर अगर दो की बात करूं, देखो आपके पास कुछ इस प्रकार से है, बताना इसमें कितने अल्फा एच हैं, यहां बताओ। तो ये तो आपका देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, सॉरी विनाइल कार्बन, दोनों विनाइल हो गए, इस विनाइल के पास चलो, जितने भी विनाइल है सबके पास चलना है, विनाइल कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा अल्फा, इस साइड में गए अल्फा और ये भी अल्फा, यहां कितने हैं तीन, यहां कितने हैं तीन, यहां कितने हैं दो और यहां कितने हैं तीन। अरे ये तो समझ में आ रहा है मैं तीन दो कैसे लिख रहा हूं, बोलो ना ये तीन है बेटा, है ना, ये मतलब एट है, तो टोटल 6 और 9 और 2 11 अल्फा एच कितने बेटा इसमें, 11 अल्फा एच है। क्या आपको समझ में आ गया। अगर मैं थर्ड पॉइंट पूछूं आपसे, बताना थर्ड सवाल कुछ इस प्रकार से है, इसमें बताइए कितने अल्फा एच हैं। तो ये भी विनाइल कार्बन है, इस पर जो जुड़ा हुआ होगा वो एच होगा, कुछ नहीं लिखा है तो दो एच होंगे। तो यहां चेक करोगे विनाइल कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन की तो कोई टेंशन नहीं लेना है। यहां देखिए विनाइल कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ अल्फा, ये भी अल्फा, यहां कितने हैं तीन हैं और यहां तीन हैं, तो टोटल अल्फा एच इसमें कितने बेटा, 6 अल्फा एच है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, बोल दीजिए ना। नेक्स्ट चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन नंबर 4, पहले बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कराइए मेरे साथ, फिर मैं पॉज कर दूंगा और फिर आराम से आप लिख सकते हो पॉज करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं आपसे पूछूं साइक्लिक सिस्टम में आ जाए इस प्रकार से, बताइए क्या यहां अल्फा एच है प्यारे बच्चों, ये विनाइल कार्बन है, हां सर बिल्कुल है, पहले विनाइल कार्बन पर जाना है, किसी एक पर गए, इससे सीधे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा, इसके रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, तो यहां कितने अल्फा एच है तीन, यहां भी कितने हैं तीन, यहां कितने हैं दो और यहां कितने हैं दो, तो टोटल अल्फा एच यहां पर हो जाएंगे आपके 10, कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों 10। नंबर 5 की बात करता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कुछ इस प्रकार से है, डबल बॉन्ड और यहां बहुत सारे अल्फा एच हैं, आप पहचानिए सभी विनाइल कार्बन के पास, पहले विनाइल कार्बन फिर अल्फा कार्बन फिर अल्फा एच, तीन स्टेप, विनाइल कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा एच। चलो विनाइल कार्बन कौन कौन से, ये सब विनाइल कार्बन है, इस विनाइल कार्बन के पास जाओ टिक लगा दो, इस पर भी टिक लगा दो, इसके पास जाओ टिक लगा दो, टिक लगा दो, इसके पास यही वाला है तो नया नहीं मिल रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, इसके पास जाओ तो यहां पर यही वाला है तो पहले से टिक लगा हुआ है, नया टिक लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप ऐसे मत कहना इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, दो दो अल्फा, थप्पड़ मारूंगा खींच के, भाई साहब ऐसा नहीं है, आप
जितनी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं इसका भी मास्टर उसका भी मास्टर, तुम्हें बहुत सारे मास्टर हुआ या एक ही मास्टर हुआ बेवड़े आदमी? तो मैं आपसे पूछूं, ये अल्फा कार्बन इसके रेस्पेक्ट में भी है और इसके रेस्पेक्ट में भी है, तो क्या हुआ? एक ही माना जाएगा, उसको अलग अलग नहीं माना जाएगा। अगर एक बार आपने टिक लगा दिया अल्फा कार्बन पर, तो अब आप वापस उसे नहीं देखना है किसी और के रेस्पेक्ट में, ठीक है? तो यहां अल्फा इस कितना है बेटा, 3, यहां कितना है 3, यहां कितना है 2, यहां कितना है 2, टोटल गिनो के 6 और 4 10, इसमें अल्फा इस 10 है, पहचान सकते हो, बहुत काम आएगा बेटा, बहुत ज्यादा काम आएगा। तो प्लीज जल्दी से सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करिए पॉज करके, आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बना लिया सबने? चलें नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अगर मैं आपसे देखूं पूछूं, ये पॉइंट सुनना, कुछ इस प्रकार से है, ये कुछ इस प्रकार से है, और यहां आप बताइए कितने अल्फा एच है सोच के। तो देखो विनाइल कार्बन चेक कर लो, पहले तो बताओ कहां का विनाइल कार्बन है। एक तो ये रहा भाई साहब, एक ये रहा भाई साहब, एक ये और एक ये, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइल कार्बन होता है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। इससे जुड़ा हुआ कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, एच तो दूर की बात है, ये भी अल्फा इससे जुड़ा हुआ है, ये भी अल्फा इससे जुड़ा हुआ है, टिक लगा देता हूं मैं, है ना, इसके रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा, टिक पहले से लगा हुआ है, ये भी अल्फा इसके रेस्पेक्ट में, ये क्या हो गया अल्फा। अरे इसके पास जाओ, कोई नहीं जुड़ा हुआ, sp3, इसके पास जाओ, ये भी है, ये भी है, इसके पास जाओ, ये भी है, ये भी है, इसके पास जाओ, ये है, अरे डन है। तो बताओ यहां कितने अल्फा एच, यहां कितने अल्फा एच होंगे, जल्दी से बोलो, इस पर टिक लगाएंगे केवल अब हम, ठीक है, कितने अल्फा एच है जल्दी से बोलो, यहां अल्फा एच है 3, ठीक है 3 अल्फा एच हो गए, यहां कितना है 1 अल्फा एच है, यहां कितना है 3 अल्फा एच है, यहां कितना है 1 अल्फा एच है, तो टोटल गिन के बताओ, 6 और 2 8, अल्फा एच 8 है यहां पर, आ रहा है समझ में, पहचान सकते हो। और बताइए क्वेश्चन नंबर 7, अगर कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिया गया है आपको, बताइए इसमें कितने अल्फा एच है, तो विनाइल कार्बन ढूंढना है, केवल विनाइल कार्बन ये है, जब ये विनाइल कार्बन है तो इससे जुड़ा हुआ कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, इससे जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन ये है और इस पर एक ही एच है, तो यहां पर अल्फा एच कितने हैं बेटा, 1 है, बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छी प्रैक्टिस हो रही है आपको मजे से बैठे बैठे, ये आपके पास डबल बॉन्ड है, तो ये विनाइल कार्बन हो गया, इस विनाइल कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन ये है, इस पर एच है, बिल्कुल है सर, इस पर भी एच है, बिल्कुल है सर, बट ये दोनों के दोनों एच कौन से कार्बन पर है, ब्रिज हेड कार्बन पर है, ये अल्फा एच तो है बट ये हाइपर कॉन्जुगेशन में हमारे किसी काम के नहीं है। अल्फा एच पूछे तो आप कितने बताओगे, 2, बट आप पूछोगे क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं करेंगे, तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं, बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास है कुछ इस प्रकार से बेंजीन, अब मुझे बताओ बेंजीन में भी ये बॉन्ड कैसा है, देखो डबल बॉन्ड ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आप इसे विनाइल कार्बन की तरह ट्रीट कर लो, ये वाले कार्बन सबके सब कैसे हैं आपके, ऐसे एज मान लो कैसे, वास्तविकता में तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड होते हैं ना, बट आपको क्या मान के चलना है, ट्रीट करना है कि ये आपके विनाइल कार्बन की तरह डबल बॉन्ड की तरह है, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन ये हो गया, ये अल्फा हो गया, तो इसमें अल्फा एच है, बिल्कुल है सर, कितने अल्फा एच है बेटा, 3 अल्फा एच है, बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 10, अगर मैं आपसे पूछूं कुछ इस प्रकार से आपके पास ये डबल बॉन्ड इस प्रकार से CH2 और ये CH3, जल्दी से बताओ ये आपके विनाइल कार्बन की तरह ट्रीट करो सबको, तो इस वाले से डायरेक्ट कनेक्टेड कार्बन है जो sp3 है, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, इस पर जो एच होंगे वही अल्फा एच होंगे, तो कितने अल्फा एच है यहां पर, 2 है बेटा, 2 अल्फा एच है ना, कितने अल्फा एच है, 2, और बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड sp3 कार्बन को आपको ध्यान में रखना, और बताया भी है बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसे, बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्टेड होता है उसे हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक कार्बन, तो ये भी बेंजाइलिक कार्बन है ना, जबकि अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से विनाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम उसे बोलेंगे एलाइलिक कार्बन, और दोनों ही अल्फा कार्बन होते हैं और उन पर जो भी एच होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा एच, तो आराम से आप अल्फा एच पहचान सकते हो, अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको हो गई है। आदि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी रिएक्शंस केवल अल्फा एच पहचानने पर है, आप सोचिए बहुत सारी रिएक्शंस को आप सीख चुके हो अगर आपको अल्फा एच पहचानना आ चुका है, तो चलो जल्दी से पॉज करो और बड़े प्यारे तरीके से इन सबको लिख लो, लिख दिया, अब देखते हैं कि अल्फा एच पहचानना आ गया, अल्फा एच क्या होता है यह भी देख लिया, कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, अब हमें देखना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन में होता कैसे है और क्या करता है और कौन सा कॉन्जुगेशन होता है, बिल्कुल कार्बोटाइन्स वाली थ्योरी पर ही चलने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चले बेटा देखिए नेक्स्ट।
तो अब देखते हैं बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन होता कैसे है। ये तो हमने देख लिया हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा एच होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले मेरे पास एक कंपाउंड है जो एल्कीन है कुछ इस प्रकार से, और इसमें अल्फा अल्फा एच है, और कितने अल्फा एच है बेटा अगर देखोगे तो यहां पर CH2, ये अल्फा कार्बन है और इस पर जो भी एच है वो अल्फा एच है, और अल्फा एच यहां 3 है। मजे से यहां हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अब कैसे होगा वो हमें देखना है, तो मैं थोड़ा सा आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूं, ये एच है, ये एच है, और ये सी एच डबल बॉन्ड CH2 है। डन है कहानी। अगर मैं आपसे पूछूं ये ग्रुप कैसा है तो आप बोलोगे एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप को हम पढ़ चुके हैं प्लस आई ग्रुप, मतलब ईडीजी ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ध्यान सुनना, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस ओर जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन इस ओर जाएगा तो ये पाई बॉन्ड इस ओर ओपन होगा। ध्यान सुन लेना, जब ईडीजी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस ओर भेजेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन अगर ओपन होता है तो किस ओर होगा, इस ओर पाई इलेक्ट्रॉन ओपन होने वाला है। तो सेम कहानी अगर मुझे बताओ ये पाई बॉन्ड इस ओर ओपन होने वाला है तो यहां कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ध्यान से सुनना, या पॉजिटिव और या नेगेटिव। सुनना, अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये बिल्कुल वही केस बन गया कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन। कार्बोकैटायन वाले कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को हम अल्फा बोलते हैं, उस पर जो एच होता है वो अल्फा एच होता है, ये बॉन्ड यहां से यहां आता है और ये पॉजिटिव चार्ज एच पर चला जाता है। याद है ना, इसका मतलब बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहां भी आने वाला है। तो पूरा दोबारा से इसको ऐड करते हैं, ये आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहां आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2, ये ईडीजी ग्रुप की वजह से पाई बॉन्ड जैसे ही ओपन होगा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और ये बॉन्ड पीछे से इसको बैकअप देगा। एक बात मैं आपको और अल्टीमेट बताना चाहता हूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन में, लाइन सुनना यहां ऐड भी कर लेना, हाइपर कॉन्जुगेशन में कार्बन हाइड्रोजन, कौन सा वाला कार्बन, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ही कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। कौन सा वाला कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट करता है। अब यहां सारे रेजोनेंस वाले कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, आपके पास एक कॉन्जुगेशन की पोजीशन है और वो है आज से आपके लिए कौन सी, अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, ध्यान से देखना, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप और इसे मान लो आप कौन सा कॉन्जुगेशन का कोई भी पॉइंट, जैसे वहां पाई बॉन्ड होता था ना बेटा, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप पाई बॉन्ड होता था ना, वैसे ही आप इस बॉन्ड को भी ऐसा मानो जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का। तो बताओ क्या बना, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप सिग्मा बॉन्ड, कौन सा वाला, ये वाला जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। कोने वाला पाई बॉन्ड तोड़ो, पीछे से सिग्मा बॉन्ड का बैकअप लाओ, बिल्कुल वही कहानी, कोने वाला पाई बॉन्ड तोड़ो, पीछे से पाई बॉन्ड का बैकअप लाओ। याद आ रहा है ना, हुआ कैसे, समझ में आ गया होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल वही कंडीशन बनेगी जो कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहां आ जाएगा, इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ बन जाएगा HCH पॉजिटिव, H डबल बॉन्ड CH और यहां आएगा CH2 नेगेटिव। डन है कहानी, ये आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। आ रहा है क्या समझ में, कितना आसान है, कर सकते हो सॉल्व। अगर ये वाला पार्टिसिपेट करे कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड तो कैसे करेगा, कोने वाला पाई बॉन्ड तोड़ो, पीछे से सिग्मा बॉन्ड का बैकअप लाओ, तो इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा क्या बनेगा, H पॉजिटिव, यहां आएगा C, ये H डबल बॉन्ड CH और CH2 नेगेटिव, एक और बनेगा क्योंकि एक अल्फा H और है, और यहां क्या बनेगा HCH, H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH और CH2 नेगेटिव। आज से सारी कहानी बिल्कुल रेजोनेंस वाली चलेंगी, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी आप सिग्मा बॉन्ड को ट्रीट करना एज अ पाई बॉन्ड, जो हमने किस में पढ़ा है, रेजोनेंस में पढ़ा है, रियल में तो ये सिग्मा बॉन्ड है, बट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए जल्दी से, इसलिए मैंने आपको बोल दिया है यह भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे कि पाई बॉन्ड काम करता था रेजोनेंस में, ऐसा ध्यान में रखें। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपके क्या है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, क्या बोलेंगे इन्हें, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो ये क्या होगी, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होगी। डन है कहानी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्लीज मुझे बताना, ये सारी की सारी हाइपोथेटिकल है, अनरियल है, रियल क्या होगा, हाइब्रिड। हाइब्रिड आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो, कोई काम की बात उससे नहीं मिलने वाली। पॉइंट अब ये है कैसे होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, समझ में मुझे आ गया है। और अब देखना, आपको पता है ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मतलब पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो या फ्रीडिकल हो या कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो, वो जितना ज्यादा फैलता है उतनी स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा बढ़ती है। अगर ये एक ही जगह हुआ यहां, अगर ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड केवल यहीं रहेगा, बट अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होता तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां से कहां शिफ्ट हो गया है,
इन कार्बन के बीच में, तो जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैलेगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। अब आप फिर से बताओ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब कब ज्यादा फैलेगा? जब कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेंगी। ये कब ज्यादा बनेंगी? जब अल्फा एट ज्यादा होंगे। तो वही की पॉइंट्स दोबारा से आने वाले हैं। क्या की पॉइंट्स? नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। दूसरा की पॉइंट बोलिए जल्दी से, क्या बनेगा? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्योंकि जितनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगी उतना ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा फैलेगा। और फिर लास्ट में अल्टीमेट रिजल्ट आता है और बहुत ही ज्यादा काम का है, और वो है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। जिसमें जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और अल्फा एच कैसे पहचानते हैं, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो ये पहला की पॉइंट आपका इस तरीके सेट हो गया। दूसरे की पॉइंट पर अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा कॉन्जुगेशन है, तो आपको पता है कार्बोकेटाइन में जो हमने चेक किया था वो कौन सा कॉन्जुगेशन था बेटा, याद करो कार्बोकेटाइन में कौन सा कॉन्जुगेशन था? कार्बोकेटाइन में कॉन्जुगेशन था सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल। फ्रीटिकल में भी सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल। यहां बात करते हैं, दो पॉइंट दो रिजल्ट आते हैं। पहला रिजल्ट सुने ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं ये पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन हो रहा है, पाई बॉन्ड कौन बनाता है? अगर आपको याद हो तो पाई बॉन्ड बनाता है पी ऑर्बिटल। कौन बनाते हैं? पी ऑर्बिटल। तो यहां अगर आप देखा जाए डिटेल में, मैं थोड़ा साइड में बना देता हूं, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा यहां पर स्ट्रक्चर। यहां चाहे आप चाहे चलो अलग बना लेते हैं इसको, मैंने यहां बना दिया, दोनों बातें कर लेंगे। ये एच सी एच, ये एच, और यहां आपके पास पाई बॉन्ड को जिस प्रकार से बना हुआ है इनकी ओवरलैपिंग से, ठीक है, यहां हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। तो जो ओवरलैपिंग हो रही है इस सिग्मा बॉन्ड की और इन पी ऑर्बिटल की, कॉन्जुगेशन में कौन कौन है? P orbital और सिग्मा बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेशन में आते हैं। मतलब ये सबके सब किस में बेटा? कॉन्जुगेशन में। ये सिग्मा बॉन्ड और ये P orbital। तो आपसे पूछा जाए कौन सा कॉन्जुगेशन है, तो आप कहना यहां पर जो कॉन्जुगेशन है वो है सिग्मा बॉन्ड P orbital कॉन्जुगेशन। एक तो ये बात आ गई कॉन्जुगेशन। ये बात है बेटा किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू बीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर पूछा जाए तो आप सिंपल कहना यहां पर सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन होता है, क्योंकि ये जो कॉन्जुगेशन है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बीच में, और पाई बॉन्ड बनाया है पी ऑर्बिटल ने, इसलिए पी ऑर्बिटल और सिग्मा बॉन्ड के बीच का कॉन्जुगेशन है। अगर आपको इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछे तो देख ध्यान से सुनना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है बेटा, आपके पास कुछ इस प्रकार से यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, और यहां आपके पास है ये बना हुआ पाई बॉन्ड। सुने ध्यान से, ये पाई बॉन्ड है सी एच डबल बॉन्ड सी एच। मैं एमओटी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, एमओटी के अकॉर्डिंग है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। अब ध्यान सुने, ये जो पाई बॉन्ड फॉर्म किया है बताओ किसने बनाया है? पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा बॉन्ड फॉर्म करते हैं और वो हमेशा दो न्यूक्लियस के बीच में होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है ना केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये किसने बनाया है? ये जो पाई बॉन्ड बनाया है पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ने बनाया है। और आपको पता है जो हमेशा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो कहां होते हैं? दो न्यूक्लियस के बीच में। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हमेशा कहां होते हैं? लेफ्ट में और राइट में, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में नहीं होते। तो इसका एंटी बॉन्डिंग कहां होगा? कुछ यहां होगा लेफ्ट में, और इसका पाई स्टार जिसे बोलेंगे है ना, इसका एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार कहां होगा? कहीं यहां होगा। अब ये क्या है आपका जल्दी से बोल दो, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो क्या है? वैकेंट है, खाली है, खाली पड़ा हुआ है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यहां जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ओवरलैपिंग होती है वो इस सिग्मा बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड और इस पाई स्टार ऑर्बिटल के बीच में कॉन्जुगेशन होता है। तो इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको ऐसे भी पूछ सकता है यहां कॉन्जुगेशन कौन सा है, तो आप कहना सिग्मा बॉन्ड एंड पाई स्टार ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको, पाई स्टार सिग्मा बॉन्ड एंड पाई स्टार ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन यहां पर होने वाला है। क्या होने वाला बेटा? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई स्टार ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार बेटा? अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, इतनी सारी बातें जो हमने की हैं पॉइंट इस प्रकार से। पहला तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको पूछा जाए कभी भी कि एल्कीन में जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उसमें कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, कौन सी ओवरलैपिंग होती है या कौन सा कॉन्जुगेशन होता है, तो पहला आप बोलोगे सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल अगर ऑप्शन में टिक लगा दोगे, या आपको दूसरा लिखा हुआ है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई स्टार,
ये भी सही है, दोनों ही सही है। अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों पे टिक लगाओ, और आपको एक ऑप्शन दिया तो एक पे टिक लगाओ। दोनों हो और दोनों अलग अलग हो, बोथ नहीं लिखा हुआ है, तो कभी भी ऐसा सवाल नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों ही सही है, चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे। क्या मेरी बात को समझ पाए हो? अगर एक ऑप्शन में लिखा हुआ है सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन, दूसरे में लिखा हुआ है सिग्मा बॉन्ड पाई स्टार कॉन्जुगेशन, तो आप, और तीसरे में लिखा हुआ है बोथ, तो आप टिक लगाओगे इस पर, बोथ पर। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आप चारों ऑप्शन अलग अलग हो तो आपको एक पर टिक लगाना हो। गलत बात है, दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, डन है। अगर वो चार ऑप्शन अलग अलग रखता है तो या तो ये होगा उसमें या ये होगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। क्या मेरी बात को समझ पाए हो? तो प्लीज बढ़िया तरीके से आप इसको बना दीजिए, और फिर मैं आपको लेके चलता हूं की पॉइंट्स पर। पॉज करिए और लिखिए जल्दी से, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, प्लीज बना दीजिए। ये बात आप ध्यान में रखना, ये वाला पार्टिसिपेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन में, बिल्कुल पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, जो रेजोनेंस में हमने देखा था। वीवीटी के अकॉर्डिंग है सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दिख नहीं रहा ना लास्ट वाला? देखिए थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा और, अब दिख रहा है? ठीक है, बना दीजिए प्लीज। नेक्स्ट बात करेंगे हम की पॉइंट्स की, तो चलो चलते हैं की पॉइंट्स लिखते हैं। अगर लिख लिया हो सबने तो की पॉइंट्स में पहला वाला की पॉइंट वही है बेटा। पहला पॉइंट क्या आया? नंबर ऑफ क्या? नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की संख्या पूछे तो आप गिन लेना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ अल्फा एच, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन गिन लेना, ठीक है। ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट की अगर मैं बात करूं, बी पार्ट क्या होगा बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जितनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स क्या होगी? प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और बेटा कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कब ज्यादा बन रही है? जब नंबर ऑफ अल्फा एच है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी क्या आएगी? ज्यादा। अल्टीमेट रिजल्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इस पर बेस्ड, एप्लीकेशन तुरंत आने वाला है पूरा हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म करने के बाद। तो पहला कॉन्सेप्ट, पहला की पॉइंट जल्दी से लिख दीजिए, फिर सेकेंड की पॉइंट की बात करते हैं। लिखा सामने, चले देखिए सेकेंड की पॉइंट। बेटा सेकेंड की पॉइंट क्या है? तो आप इसमें लिख देना कौन सा कॉन्जुगेशन होता है, दोनों सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन होता है, या आप इसमें क्या बोलोगे, सिग्मा बॉन्ड एमओटी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई स्टार ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। पाई स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन, किसका? सिग्मा बॉन्ड का। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट समझ में आया, हाइपर कॉन्जुगेशन कब होता है किसमें, बोलिए जल्दी से, हाइपर कॉन्जुगेशन कब होता है एल्कीन में, कैसे होता है, क्या करता है, स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, और उसके बाद फिर हमने पढ़ा कौन सा कॉन्जुगेशन इसमें होता है, पूरी बात सेट है। अब मैं आपको लेके चलता हूं प्लस एच पावर और माइनस एच पावर, सॉरी प्लस एच पावर, माइनस एच पावर तो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको प्लस एच पावर पूरा, प्लस एच इफेक्ट पूरा सिखाऊंगा, उसके बाद प्लस एच पावर का कंपैरिजन करने वाले हैं अभी हम, उसके बाद प्लस एच इफेक्ट के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको छोटा सा पॉइंट है माइनस एच इफेक्ट, उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं प्लस एच पावर का कंपैरिजन, बिल्कुल वैसे चलना है आई इफेक्ट की तरह ही, है ना। आई इफेक्ट कब होता है, फिर कितने टाइप का होता है, फिर प्लस एच कब लगेगा, जब अल्फा एच होंगे, सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूं। तो डन, अब स्टार्ट करते हैं प्लस एच पावर का कंपैरिजन। देखिए यहां पर है आपके पास ऑर्डर ऑफ प्लस एच पावर, प्लस एच पावर का क्रम। तो देखो पहले पॉइंट सुनना, दो केसेस में, पहला पॉइंट आपके पास है एक कार्बोकेटाइन, ऐसे ले लेते हैं सी एस थ्री पॉजिटिव, या इसको ऐसे लिख दो और अच्छी तरीके से, सी एस थ्री सी एच टू पॉजिटिव। नेक्स्ट है आपके पास सी एस थ्री सी एच टू पॉजिटिव। नेक्स्ट है आपके पास सी एस थ्री सी एस थ्री सी एच सी एच टू पॉजिटिव। नेक्स्ट है आपके पास सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री सी एच टू पॉजिटिव।
आप बताइए कार्बोकेटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है? बिल्कुल लगता है। और कब लगता है सर? तब लगता है जब अल्फाएच होता है। तो यहां अल्फाएच बता दो कितने हैं, यहां अल्फाएच सर 3 है, यहां अल्फाएच कितने बेटा 2 है, यही तो अल्फा है, यहां अल्फा ये है, तो यहां अल्फाएच कितने बेटा केवल 1 है, यहां अल्फाएच कितना है 0 है। जब यहां अल्फाएच 0 है तो यहां पर नो एच इफेक्ट, यहां पर कोई भी एच इफेक्ट नहीं लगेगा, यहां पर कोई भी एच इफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है, कोई भी एच इफेक्ट नहीं लगेगा। अब देखिए अगर मैं इसको मिटा दूं, ये ग्रुप जो मैंने जोड़े हैं, ये मैंने ग्रुप जोड़े थे वो मिटा दिए कुछ इस प्रकार से। अब मैं आपसे पूछूं इसमें से कौन से ग्रुप का प्लस एच ज्यादा है, तो आप बताओगे जहां अल्फा एच ज्यादा उतने प्लस एच पावर भी ज्यादा, तो प्लस एच पावर का ऑर्डर क्या आया बेटा, कुछ इस प्रकार से आएगा, ये प्लस एच पावर का ऑर्डर है। तो याद रखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप कभी भी एच इफेक्ट नहीं लगाता, 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप का एच इफेक्ट, 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप का एच इफेक्ट 1 डिग्री से कम होता है, और 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप से ज्यादा होता है मिथाइल का प्लस एच। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा एच क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ये बात आप ध्यान में रखें। जबकि आपको याद होगा प्लस आई का ऑर्डर क्या था, जल्दी से बताओ, याद हो तो, प्लस आई का ऑर्डर था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, CT3, CD3, CS3, याद है ना, वो इसलिए था वहां जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होंगी उतना वहां पर प्लस आई ज्यादा होगा। बट यहां क्या है, जितने अल्फा एच, मतलब एच इफेक्ट का मतलब अल्फा एच, कितना आसान है, एच इफेक्ट का मतलब अल्फा एच, जितने अल्फा एच ज्यादा होंगे उतनी वहां पर प्लस एच पावर भी ज्यादा होगी। तो यहां अल्फा एच ज्यादा होते हैं मिथाइल वाले केस में, हमने लिख दिए हैं, इसलिए यहां इसकी पावर सबसे ज्यादा है। तो प्लस एच पावर सबसे ज्यादा किसकी आएगी बेटा, बोल दो, पहले केस में मिथाइल, याद कर लो मिथाइल, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। नेक्स्ट, जल्दी से पॉज करिए और जल्दी से लिखिए, इसको लिख दिया सबने, चले नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पर। देखिए बेटा सेकंड एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, आपके पास 3 ग्रुप और हैं, एक तो है CS3, एक है CD3 और दूसरा है, तीसरा है CT3, इनकी प्लस एच पावर और आपको कंपेयर करनी है। तो आपको पता है प्लस एच पावर में, आपको मैं प्लस आई पावर की बात बता चुका हूं, प्लस आई पावर किसकी ज्यादा होती है, CT3, CD3 और CS3। अब यहां प्लस एच की पावर की बात और कर लेते हैं। अब मैं आपको बड़ी प्यारी सी बात बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं एक बोतल में पानी भरा हुआ है तो उसके मॉलिक्यूल क्या एक ही जगह पर है या भाग रहे हैं, जल्दी से बोल के बताओ, एक ही जगह पर या भाग रहे हैं, तो आप कहोगे सर भाग रहे हैं, एक जगह पर कभी भी वो रहते नहीं है। वैसे ही साइंटिस्ट कहता है कम और हर एक कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है वो एक स्प्रिंग की तरह काम करता है, मतलब हमेशा दोलन करता रहता है, एक स्प्रिंग की तरह क्या करता रहता है, दोलन करता रहता है। तो जो भी बॉन्ड होगा वो क्या होगा आपके दिमाग में, किसकी तरह चलना चाहिए, एक स्प्रिंग की तरह चलना चाहिए। अब मान के चलिए बड़े शानदार पॉइंट है, ये आपके पास कोई एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का मैंने एक वेट रख दिया, कितने केजी का, 10 केजी का, 10 केजी का वेट रखा हुआ, फुल ताकत से इसे दूर भेज रहा हूं, पहला केस। फिर मैंने इसी पर 50 केजी वेट रख दिया, फुल ताकत से दूर भेज रहा हूं, स्प्रिंग है ये। तो दूसरे केस में 50 केजी और पहले केस में 10 केजी है, तो बेटा हल्का वाला दूर चला जाएगा और भारी वाला दूर नहीं जाएगा, अगर स्प्रिंग के दोनों दूसरे कॉर्नर पर रख करके आप फुल ताकत से उसे दोनों केस में दूर भेजोगे तो हल्का वाला दूर जाएगा और भारी वाला दूर नहीं जाएगा। वैसे मैं आपसे पूछूं, आपको पता है यहां पर जो बॉन्ड है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यहां कार्बन डी बॉन्ड है और यहां कार्बन टी बॉन्ड है, और आपको पता है हाइड्रोजन से ज्यादा भारी होता है ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम से ज्यादा भारी होता है ट्राइटियम, क्योंकि उनका मास नंबर होता है वो इसका 1, इसका 2, इसका 3 होता है, मास नंबर 1, 2 और ये 3, तो ये भारी है टी। जब टी भारी है तो जब इसका जो बॉन्ड है वो एक स्प्रिंग की तरह काम करेगा तो भारी वाला दूर नहीं जाएगा जबकि हल्का वाला दूर जाएगा, तो ये जो बॉन्ड है वो काफी दूर तक वाइब्रेशन करेगा कुछ इस प्रकार से होगा, ये बॉन्ड उससे कम थोड़ा सा कम करेगा, ये उससे भी कम करेगा, अरे ऐसे ही तो होगा, बोल दो ना यार, सबसे ज्यादा दूर कहां जाएगा, ये वाला बॉन्ड, फिर ये और फिर ये, क्योंकि हाइड्रोजन हल्का है तो वो ज्यादा दूर तक जाएगा। अब देखना आई इफेक्ट का ऑर्डर में क्या होता था, हमें पता था आई इफेक्ट किस पर निर्भर करता है, दूरी पर, तो दूरी सबसे ज्यादा कहां है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में दूरी ज्यादा है, जब दूरी ज्यादा है तो आई इफेक्ट कम है, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का आई इफेक्ट से ज्यादा होता है कार्बन डी का, क्योंकि यहां दूरी कम हो जाती है और कार्बन टी में दूरी और कम हो जाती है, तो हां आई इफेक्ट ऐसे बढ़ जाता है, बात समझ में आई। बट अब आप सोचिए हाइपर कॉन्जुगेशन में कैसे होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, आपको पता है ये एच है, ये एच है और ये एच है, और सब एक एक बात मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये बॉन्ड टूट करके यहां आता है। अब इनमें से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा जल्दी, जो वीक होगा वही तो जल्दी टूट करके आएगा। अब मुझे बताओ कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन टी बॉन्ड में कौन वीक है, जो छोटा है। देखो अगर मैं आपसे पूछूं इस पेन को तोड़ो तो बड़े आराम से आप तोड़ सकते हो, बट इसी एक पॉइंट, छोटे से पॉइंट को तोड़ने के लिए बोलूं तो वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा। बॉन्ड जितना छोटा होता है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी,
तो ये बॉन्ड छोटा है, ये बॉन्ड बड़ा है, तो इसकी स्ट्रेंथ कम है और इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो जब इसकी स्ट्रेंथ कम है तो ये जल्दी ब्रेक होगा, सोच लो, जब इसकी स्ट्रेंथ कम है तो ये जल्दी ब्रेक होगा, और जल्दी ब्रेक होगा तो जल्दी हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। इसलिए अब हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूं तो कौन से वाले बॉन्ड का हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है, कार्बन एच, फिर कार्बन डी और फिर आता है कार्बन टी। ओवरऑल ऑर्डर अगर आप चेक करोगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन में इसका ऑर्डर आएगा, यह है आपकी प्लस एच पावर। आप ऐसा भी ध्यान में रख सकते हो, प्लस एच पावर प्लस आई पावर के जस्ट अपोजिट होती है, वहां पर डिस्टेंस देखते हैं तो इसलिए सीटी जीतता है। यहां पर बॉन्ड की दुर्बलता देखते हैं, ये बॉन्ड वीक है, जल्दी ब्रेक होगा, जल्दी ब्रेक होगा तो CH3 का प्लस एच ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा प्लस एच अगर मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है तो सबसे ज्यादा प्लस एच किसका होगा, मिथाइल का, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का और 3 डिग्री। एल्काइल ग्रुप कभी भी अल्फा एच नहीं रखता तो कभी भी प्लस एच इफेक्ट नहीं लगाएगा, और इसमें ऑर्डर ही आता है। तो ये दोनों ऑर्डर आपको ध्यान में रखने हैं, सिंपल ऑर्डर ध्यान में रखिए, इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये ऑर्डर आपके ध्यान में रहना चाहिए। डन, बना दिया सबने, चले नेक्स्ट। तो ये आपका मैंने पढ़ा दिया एच इफेक्ट क्या है, फिर हमने पढ़ा एच इफेक्ट के बाद कि एच इफेक्ट की पावर, प्लस एच पावर, तो प्लस एच पावर हमने ऑर्डर पढ़ लिया, चाहे वो कार्बोकेटायन में हो, चाहे फ्री रेडिकल में हो, चाहे वो एल्किन में हो, ऑर्डर सेम रहेगा। अब मैं आपको बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कराना चाहता हूं हाइपर कॉन्जुगेशन पर बेस्ड, एल्किन की स्टेबिलिटी पर, जो बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, या आप ऐसे ले सकते हो कि प्लस एच इफेक्ट के अनुप्रयोग, ऐसे भी ला सकते हो आप। तो प्लीज नेक्स्ट हेडिंग पहले, तो स्टेबिलिटी बाद में लिखेंगे, पहले आप एक हेडिंग लिख दीजिए जल्दी से, सब लोग हेडिंग लिखें बेटा, प्लस एच पावर, या बोले तो प्लस एच इफेक्ट के अनुप्रयोग। प्लीज हेडिंग लिखिए, प्लस एच इफेक्ट के अनुप्रयोग, प्लस एच इफेक्ट के अनुप्रयोग, लिख दिया। इसमें क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित स्पीसीज को स्टेबिलिटी क्रम में सजाइए। तो यहां पर आपको एल्कीन जैसे स्ट्रक्चर्स आने वाले हैं, उनकी हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड करना है। तो ठीक है, ये पहला एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन आप मान सकते हो इसको, पहला एप्लीकेशन में क्वेश्चन नंबर ये चल रहा है, आगे क्या क्या एप्लीकेशन आता है वो देखने वाले हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले जब भी कोई सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, हाउ टू सॉल्व सवाल। तो चलो मैं आपको लेकर चलता हूं किस पर बेटा, हाउ टू सॉल्व सवाल, कैसे हमें सॉल्व करना है। जब भी आपको एल्किन जैसे स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी पर आधारित सवाल आए तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए एरोमेटिक, क्या आना चाहिए बेटा, एरोमेटिक। फिर आपके दिमाग में आना चाहिए रेजोनेंस, जिसमें रेजोनेंस है उसकी स्टेबिलिटी ले लेनी है। सबसे पहले किसमें लोगे बेटा, एरोमेटिक वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बतानी है, फिर रेजोनेंस वाले की, फिर देखना आपको अल्फा एच, अल्फा एच कहां का मतलब क्या होता है बेटा, प्लस एच इफेक्ट, क्या देखना है, प्लस एच, पहले रेजोनेंस फिर प्लस एच इफेक्ट देखना है, और उसके बाद लीस्ट स्टेबल, हाईली अनस्टेबल बता देना है, हाईली अनस्टेबल बताना है किसको, एंटी एरोमेटिक को। जब भी एंटी एरोमेटिक देखें तो उसे सबसे लास्ट में पटक देना, वहां रेजोनेंस या और कोई फंडा देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको एंटी एरोमेटिक देखे आप तुरंत कह दो हाईली अनस्टेबल। तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे, पहले किसको लोगे बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड को, फिर रेजोनेंस जहां हो रहा होगा, रेजोनेंस कहां होता है, जहां जहां कॉन्जुगेशन होता है, फिर आप देखोगे हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा एच देखोगे, और अगर किसी ऑप्शन में आपको एंटी एरोमेटिक दिखता है तो उसे क्या बोल दोगे, हाईली अनस्टेबल। इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के नेक्स्ट क्लास में। तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आया होगा, बढ़िया से पूरे सवालों की प्रैक्टिस करना जो भी मैंने कराए हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। थैंक यू वेरी मच।